ठीक है तो देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन देखिए देखिए टेन और इलेवन तो मैं कल बताऊंगा क्योंकि इसके लिए मुझे आपको कुछ एक दो चीजें और बतानी है छोटी मोटी वो मो ध्यान रखेगा तो मैं क्वेश्चन नंबर एट बता रहा हूँ फिर ट्वेल्व से बताऊंगा ठीक है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से तो क्वेश्चन नंबर एट देखिए और नाइन वाला कुछ ट्राई करिएगा इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी है ना इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी एपी इज क्वेश्चन नंबर एट लगा रहे हम लोग 9.2 का। S इक्वल टू क्या दिया है? Pn Qn स्क्वायर प्लस Qn स्क्वायर प्लस Pn ये। तो हमें बताना है, वेर Pn Qr कौन सा? फाइंड कॉमन डिफरेंस। हम लोग को इसमें d की वैल्यू बतानी है। कर लेंगे ये वाला सवाल? कर सकते क्या बेटा? देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को इस इक, इसको हम लोग एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी टाइप का बनाएंगे ठीक है ना तो कैसे बनाएंगे पहले तो एन कॉमन ले लो ठीक है एन कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा पी प्लस क्यू एन ये आ जाएगा अब टू से मल्टीप्लाई कर दो और टू से डिवाइड कर दो तो ये टू अंदर लेकर चले जाओ तो क्या हो जाएगा एन अपॉन टू टू पी प्लस टू क्यू एन ये हो जाएगा ठीक है ये एन अपॉन टू आ गया और ये देखो टू पी आ गया तो एन अपॉन टू को एन अपॉन टू रहने दो और यह टू पी दो प्लस टू क्यू एन में माइनस वन और प्लस वन कर दो ठीक है तो क्या हो जाएगा एन अपॉन टू टू पी प्लस एन माइनस वन टू क्यू प्लस टू क्यू ये हो जाएगा ठीक है अब इस टू क्यू और इसको साथ में ले लो तो क्या हो जाएगा एन अपॉइन टू टू पी प्लस टू क्यू प्लस एन माइनस वन टू क्यू बताओ क्या ये इस टाइप का आ गया कि नहीं आ गया एन अपॉइन टू इधर टू कॉमन ले लो टू ए प्लस एन माइनस वन डी आ गया ना टू ए प्लस एन माइनस वन डी आ गया तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो गई ए की वैल्यू हो गई पी प्लस क्यू और डी की वैल्यू क्या हो गई टू क्यू टू क्यू हाँ ठीक है बहुत सिंपल सा सवाल था नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन नंबर जो टेन और इलेवन है ना वो इंपॉर्टेंट है वो मैं कल बताऊंगा आज नहीं ठीक है और एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन होगा बाकी फिर नाइन पॉइंट टू आज कर दूंगा कंप्लीट देखना

ठीक है हमें ये प्रूफ करना है कैसे करेंगे देखिए पहले इसका फॉर्मूला लिख लीजिए एम अपॉन टू टू ए प्लस एम माइनस वन डी एंड इसका क्या हो जाएगा एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एम स्क्वायर एन स्क्वायर अब देखो गौर करना सोचने का तरीका इसमें समझना है मेन देखो ये टू से तो टू कैंसिल हो गया और यहाँ एन और एम कैंसिल हो गया अगर हम लोग को ये बात पता करनी है मतलब हम लोग को ये दिखाना है कि ए एम अपॉन ए एन की वैल्यू क्या आ रही है ठीक है तो हम लोग को क्या करना होगा हम लोग को यह सोचना होगा कि इस फॉर्मूले को हम लोग यहां तक कैसे लेके जाए ए एम अपॉन ए एन का मतलब ए प्लस एम माइनस वन डी एंड ए प्लस एन माइनस वन डी यहां तक आप कैसे करेंगे क्योंकि यही है ना हमारा ए एम अपॉन ए एन आप कैसे करेंगे इस पार्ट को इस पार्ट को करने के लिए चलो देखो इसको ऐसे कर लो ए प्लस ए एंड ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी टू एम अपॉन एन इसको हम लोग ए एम और ए एन लिख सकते हैं बट इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग क्या करें हम लोग ये करते हैं टू एम माइनस वन

एक इसको एक बार रहने दीजिए यहीं पे इसी के आगे होगा ये मैं बता रहा हूं यहां तक एक बार लिखे रखेगा आप लोग मैं अभी बता रहा हूं इसके बारे में सोच के ठीक है ना तब से एक बार नेक्स्ट वाला तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार क्या है एक इसमें ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं थर्टीन ठीक है थर्टीन वाले में क्या है इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी

164 है ना देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एम की वैल्यू क्या होगी ये एम की वैल्यू क्या होगी हम लोग वही काम करेंगे इसको जो है एस एन के फॉर्म में चेंज करेंगे और एस एन के फॉर्म में चेंज करते ही ए और डी की वैल्यू आ जाएगी उस ए और डी की वैल्यू उठा के इस फॉर्मले में यहाँ पर इस फॉर्मुले इसका फॉर्मुला क्या हो जाएगा ए प्लस एम माइनस वन डी में इसमें रख देंगे जैसे इस फॉर्मुले में रखेंगे इसका एम का वैल्यू आ जाएगा हमें ए और डी की वैल्यू पता करनी है ए और डी की वैल्यू इसकी हेल्प से पता करेंगे हम लोग ठीक है ना ध्यान रखना इस चीज को और क्या दिया इसमें एक 15 वाला क्वेश्चन दिया है अगर 15 वाले क्वेश्चन के लिए भी मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि 15 वाला क्वेश्चन में भी आपको बाइनोमियल के रिलेटेड एक चीज बतानी है तो क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 15 ये तीन क्वेश्चन ध्यान रखिएगा है ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तीनों एक क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो क्या दिया है इंसर्ट फाइव नंबर बिटवीन एट एंड ट्वेंटी सिक्स रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी हमें एपी बनाना है एट और ट्वेंटी सिक्स एट और ट्वेंटी सिक्स के बीच हम लोगों को क्या करना है पांच और नंबर डालने यानी कि ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ठीक है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ये पांच नंबर और देखना है तो ये पांचों नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग हम लोग को अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल नंबर एट आपकी बुक में दिया है कौन सा एग्जाम्पल नंबर एट उसी की तरह से होगा ये सवाल देखो टोटल कितने टर्म्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन ए तो सेवन की वैल्यू क्या है ट्वेंटी सिक्स ठीक है ना ट्वेंटी सिक्स को ए सेवन को कैसे लिखेंगे ट्वेंटी सिक्स ए प्लस सेवन माइनस वन डी ए की वैल्यू हमें पता है एट तो ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू एट प्लस सेवन माइनस वन सिक्स डी अब यहां से डी की वैल्यू निकाल लेना आप सॉल्व करके डी की वैल्यू जैसे ही आएगी ट्वेंटी सिक्स में से एट माइनस कर देंगे एटीन सिक्स में से इसको डिवाइड करेंगे थ्री तो ये आ गया आपका डी की वैल्यू जैसे इस डी की वैल्यू आएगी आप इस डी की वैल्यू को यूज कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर एट में ए एम निकालने के लिए सॉरी डी की वैल्यू आ जाएगी इस डी की वैल्यू को एट में एड करेंगे एट प्लस थ्री करेंगे तो क्या आएगा आपका आ जाएगा इलेवन इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन फोर्टीन प्लस थ्री सेवनटीन सेवनटीन प्लस थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी ये हो गया ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री प्लस थ्री ट्वेंटी सिक्स आ गया ना नंबर तो इस तरह से करेंगे इसको नेक्स्ट देखो बिटवीन वन टू थर्टी वन एम नंबर इंसर्टेड क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन बता रहा हूं बिटवीन वन टू थर्टी वन एम नंबर इंसर्टेड इन सच अ वे दैट The 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 resulting sequence is an AP and the find the ratio of seventh and m minus one eighth number is five five ratio and find the value of m. ये वाला सवाल कर लेंगे क्या? हेलो ट्राई कर सकते हैं हाँ ट्राई करिएगा आप ये वाला ट्राई करिएगा नहीं आएगा तो फिर मैं देखता हूँ है ना तो ये कुछ क्वेश्चन इधर लिखे हैं टेन इलेवन फिफ्टीन और एक क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है ना ये चार पांच क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा अलग से आपको ठीक है ना आज मैं कोर्स आपका थोड़ा सा ये नेक्स्ट टॉपिक जीपी शुरू करने जा रहा हूँ ये चार क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा ठीक है ना इसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं और एक ये जो अभी टू एम माइनस वन और टू एन माइनस वन वाला था उसका सोल्यूशन में अभी आपको फोटो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ठीक है ना तो ध्यान रखना मुझे उसको एक बार लिखना है ठीक है ना तो यहाँ तक है एक ये चार क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये चार क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ये आपको बाद में बताऊंगा मैं ठीक है ना कल की क्लास में अब मैं आज के लिए जीपी शुरू कर रहा हूँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जियोमेट्रिक प्रोग जोमेट्रिक प्रोग क्या है व इज ज्योमेट्रिक प्रोग जिस तरह से आप अर्थमेटिक की बात बोल दी तो यानी कि कोई ना कोई इसमें फुला होगा अब मैं यहां पर दो अलग अलग तरह के प्रोग्रेशन लिख रहा हूं देखो टू फोर एट सिक्सटीन और एक और देखो वन नाइन वन बाय नाइन वन बाई नाइन माइनस वन अपॉन ट्वेंटी सेवन वन अपॉन एटी वन एंड माइनस वन अपॉन टू फोर्टी थ्री ठीक है ये आपको दिया गया इसके अलावा एक और सीक्वेंस दिया गया गौर करना इसमें क्या है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए वन ए टू ए थ्री ए फोर दिया है ना आप पहला वाला नंबर कुछ भी हो ए टू से ए वन को डिवाइड करो ए टू से ए वन को डिवाइड करो क्या आएगा फोर से एट को डिवाइड किया टू को टू आया अब ए थ्री से ए टू को करो क्या आ रहा है एट बाई फोर क्या आया टू आया कि नहीं दोनों में सेम आया ना इसी तरह ए फोर अपॉन ए थ्री करेंगे इसी तरह कंटिन्यूसली हम लोग तो अलग अलग नंबर्स का रेशियो निकालते जाएंगे ए टू ए वन ए थ्री अपॉन ए टू सब करेंगे तो हमारा अगर वो फिक्स नंबर आ रहा है तो हम लोग इसी प्रोग्रेशन को जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे समझ में आया बात ठीक yes, है yes. अब एक चीज ध्यान रखना तो लास्ट में अगर आप आपके पास बुक है तो उसमें ये बात लिखी गई है अ सीक्वेंस ए वन ए टू अप टू ए एन इस बी जीपी इस कॉल्ड जीपी इफ इफ क्या बोल रहे हैं each term each term is non zero and ak plus 1 upon ak is equal to r constant जो कि k की वैल्यू हमेशा greater than 1 होनी चाहिए देखो समझो अब देखो क्या दिया है अगर कोई सीक्वेंस दिया गया है ए वन ए टू an एन तो उसे हम लोग जीपी तभी बोलेंगे अगर उसका जो हर एक एक टर्म हो वो क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए साथ ही साथ अगर हम वन से ज्यादा यानी कि ए टू अपॉन ए वन निकालें ए वन अपॉन ए जीरो नहीं निकालेंगे ए टू अपॉन ए वन ए थ्री अपॉन ए टू या इस तरह सभी को निकालेंगे तो हमारा तो हमारा ये फिक्स कांस्टेंट आना चाहिए ठीक है ना क्या आना चाहिए फिक्स कांस्टेंट आना चाहिए तो इसीलिए अब हम इस केस को फिर क्या बोलेंगे जीपी बोलेंगे ठीक है ना अब आप लोग ये बात ध्यान देना यहां पर बोला गया है कि इस टर्म इज नॉन जीरो कोई भी टर्म जीरो नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए बता सकते हैं सर अपॉन में तो जीरो हो ही नहीं सकता ना हाँ यहां पर जीरो आ जाएगा अगर ए टू की वैल्यू जीरो होती तो यहाँ जीरो आ जाता और फिर जीरो तो आना नहीं चाहिए इसीलिए ठीक है ना ये बेसिक सी चीजें हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो अपनी अपनी बुक में अब आगे क्या लिखा है जनरल टर्म ऑफ जीपी जनरल टर्म ऑफ जीपी ठीक है ना जीपी का कोई जनरल टर्म कैसे लिखेंगे जैसे एपी एपी का जब हम लोग एपी पढ़ रहे थे जब हम लोग एपी पढ़ रहे थे तो उसका जनरल टर्म कैसे लिख रहे थे बता सकते हो ऐसे लिखते थे जनरल टर्म तो इसका भी लिखने का तरीका होगा ना अब देखो गौर करना आप इसके टर्म बनते कैसे जब जैसे 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 इसके टर्म बनेंगे उसी से पता चलेगा कि इसका जनरल टर्म क्या होगा देखो सबसे पहला टर्म इसका ए होता है अगला मतलब पहला ए वन होता है फिर ए टू होता है फिर ए थ्री होता है सबके बीच डिवीजन कॉन्स्टेंट होता है ना यानी कि अगर ए वन ए वन ए टू अपॉन ए वन किसके बराबर और एन ए टू किसके बराबर आता है R के बराबर इसी तरह ए फोर अपॉन ए थ्री भी आर के बराबर आते सब आर के बराबर ही आते हैं है ना तो इससे क्या पता चलता है कि ए टू इज इक्वल टू ए वन आर होता है कि नहीं होता होता है अब इस ये जो पहला टर्म है इसको आप ए वन ना मानके ए मान लो तो दूसरा टर्म क्या आएगा ए आर आ गया अब देखो इधर से इसको देखो ए थ्री क्या हो जाता है R times of A2. A2 की वैल्यू कितनी आई ए वन आर और ए वन आर को आपने ए आर माना तो क्या हो जाएगा आर टाइम्स ऑफ ए आर इजल टू ए आर स्क्वायर ठीक है इसी तरह ए फोर निकाल लोगे क्या आएगा ए आर क्यूब ठीक है अब आपको यहां पर पता चल रहा होगा क्या पता चल रहा है जैसे जैसे जितना जिस पोजीशन का नंबर निकालना चाहते हो उस नंबर उसमें उसके लिए आप ए को आर के पावर वन माइनस दैट पोजीशन से मल्टी मल्टीप्लाई कर दोगे यानी कि अगर आप सेकंड पोजीशन निकालना चाहते हो तो ए के पावर क्या आ गया एक बार आर ए इंटू आर के पावर क्या आ गया वन टू माइनस वन वन जब ए थ्री था तो क्या आया ए आर स्क्वायर ए के पावर आर और आर इस टू को क्या लिख सकते हो थ्री माइनस वन यानी कि जब आप ए एन निकालना चाहते हो एन एथ टर्म तो आप क्या लिख सकते हो ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन ये बात समझ में आई कि नहीं आई सर yes, इसी को बोलते हैं यहाँ पर जनरल टर्म इसी को बोलते हैं तो इसका ये बन जाता है सीरीज ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब इसी तरह एनए टर्म निकालना है तो ए आर के पावर एन माइनस वन ठीक है ये ध्यान रखना तो ये बेसिक सी चीज आती है इसमें और क्या आता है जनरल टर्म के अलावा सीरीज एपी में सीरीज होती थी ना एपी में सीरीज क्या होती थी ए प्लस ए प्लस डी ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी यही होता था ना यहां पर सीरीज क्या हो जाएगी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन यहां पर इसको सीरीज बोलते हैं ठीक है ना इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज इसको बोलते हैं सीरीज़ उसको बोलते हैं अर्थमेटिक और सीरीज और सम ऑफ सीरीज में अंतर है मैंने बताया था ठीक है अब हम लोग सम ऑफ टर्म इसमें सम ऑफ टर्म एपी में सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी यही होता है ना इसमें भी कुछ होता होगा ना तो देखो इसमें एन टर्म तक गए जाएंगे तो कहां तक आएंगे ए के पावर एन माइनस वन इनका सम निकालना है ठीक है इस सीरीज का सम निकालना है तो इसको क्या बोलेंगे एसन बोलेंगे कोई परेशानी है आ तक सम ऑफ एन टर्म्स यही है देखो पहला टर्म दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये एन टर्म है अब इन टर्म्स का सम निकालना है ना तो क्या करो इसी सीरीज को दोबारा लिख लो बट आर से मल्टीप्लाई कर दे। यानी कि आर से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड तो क्या बन जाएगा आर एस एन प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए के पावर ए आर के पावर एन कोई परेशानी नो no, सर अब देखो इस सीरीज में से इसको माइनस कर दो इसमें से ये पहला इक्वेशन हो गया ये दूसरा इक्वेशन हो गया ठीक है ये पहला इक्वेशन हो गया ये दूसरा इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये ए आर में से ए आर कैंसिल हो जाएगा इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से इसके पहले वाला कैंसिल हो जाएगा बच कौन जाएगा ये ए और ये ए आर के पावर एन तो क्या आएगा ए माइनस ए आर के पावर एन कोई परेशानी नो। no. अब इसमें से एस एन कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा वन माइनस आर इज इक्वल टू ए कॉमन ले लो इधर वन माइनस आर के पावर एन ले लिया दिख रहा होगा रिजल्ट आपको अब इस वन माइनस आर को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा एन टू वन माइनस आर के पावर एन अपॉन वन माइनस आर ये है हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला दिख रहा है कुछ पूछना है किसी को नो आपकी बुक में दिया है उसमें दो फॉर्मूले दिए हैं दोनों इसी से हैं, आप एक एक फॉर्मुला इसी को रिवर्स करके बनाया ठीक है ना सोचना उसके बारे में अब एग्जांपल नंबर नाइन और टेन देखिए एक एग्जांपल नंबर इसमें मैं बताना चाहूंगा इलेवन इलेवन और मैं बताऊंगा फोर्टीन और फिफ्टीन ये तीन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं बाकी एग्जाम्पल आपको खुद से पढ़ना है ज्यादा कुछ इसमें है नहीं ठीक है ना बहुत सिंपल सी चीज है कुछ नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा देखो एग्जाम्पल नंबर इलेवन क्या है क्या है एग्जाम्पल नंबर इलेवन इन जीपी अगर थर्ड टर्म ट्वेंटी फोर एंड सिक्स टर्म वन नाइनटी टू है फाइंड द टेंथ टर्म अगर हमारा जीपी में थर्ड टर्म क्या है सिक्सटी फोर एंड सिक्स टर्म क्या है सर ट्वेंटी फोर है सॉरी ट्वेंटी फोर एंड वन नाइनटी टू ठीक है फाइंड द टेंथ टर्म हम लोग को ए टेन बताना है क्या होगा ए टेन होता क्या है ए इंटू आर के पावर टेन माइनस वन यानी कि ए आर के पावर नाइन यानी कि हमें ए और आर की वैल्यू पता हो तो ए टेन निकल आएगा अब कैसे करेंगे ए थ्री किसके बराबर होता है ए आर स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर और ए सिक्स किसके बराबर होता है ए आर के पावर फाइव इंटू वन नाइनटी टू ठीक है अब कैसे करेंगे इसको इसको ऐसे करिए कि आर स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं देखो इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को हम लोग अगर ऐसे लिख लें है ना मैं नीचे लिख रहा हूं ध्यान दे रहा इस वाले पार्ट को ऐसे लिखते ए आर स्क्वाइंटी टू कोई परेशानी ट्वेंटी फोर इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू वन नाइनटी टू तो ट्वेंटी फोर तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू वन नाइनटी टू अपॉन ट्वेंटी फोर अब इसको कट करोगे तो ये जाएगा आपका आर का ये जाएगा देख लो टू से टू और आठ एंड सौ बत्तीस एट टाइम्स एट टाइम्स जाएगा ये ठीक है तो आर क्यूब इक्वल टू क्या आया एट तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी टू आर की वैल्यू टू आ गई ना अब इस आर की वैल्यू टू उठा के आप इसमें रख दो इस वाले में तो आपका क्या हो जाएगा ए इंटू टू का स्क्वायर इक्वल टू ट्वेंटी फोर यानी कि इससे क्या निकल के आएगा ए इज इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर ट्वेंटी फोर से ये कैंसिल हो जाएगा एट uh, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी एट ए और आर की वैल्यू उठा आ गई दोनों को उठा के इसमें रख दो तो आपका ए टेन निकल आएगा ठीक है ये चीज था एक एग्जाम्पल नंबर पहले फोर्टीन फिफ्टीन uh, देख लीजिए आया समझ में यहां तक यस yes, सर अब देखो एग्जाम्पल नंबर फिफ्टीन देखना हमें कह दिया कि फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस। सेवन हंड्रेड सेवन 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 थाउजेंड सेवेंटी सेवन सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सेवनटी सेवन ये एक सीक्वेंस है इसका सम बताओ यानी कि फाइंड द एस एन इज इक्वल टू n टर्म्स के लिए इसका सम बताओ कितने n टर्म्स के लिए फाइनाइट तो क्या हो जाएगा सेवन प्लस सेवनटी सेवन प्लस सेवन हंड्रेड सेवनटी सेवन प्लस चलता जाएगा समझ पा रहे हैं ना यस yes, अब इसको सम निकालना है तो इसको करने का ट्रिक है देखो ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन इसके अलावा भी कई क्वेश्चन बनते हैं अब बुक में भी ऐसा ही क्वेश्चन है तो आप उसको देखना तो इसमें से सेवन कॉमन ले लो ठीक है सेवन कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा वन प्लस इलेवन प्लस वन हंड्रेड इलेवन प्लस वन थाउजेंड वन हंड्रेड इलेवन प्लस अप टू इनफाइनाइट अप टू एंड टर्म्स जाएगा ये ठीक है ये हो गया अब क्या करो इसको ऐसे लिख दो इस सेवन इसको नाइन से मल्टीप्लाई कर दो नाइन से डिवाइड तो जो डिवाइड वाला है वो तो यही रहने दो और मल्टीप्लाई वाला अंदर ले जाओ तो नाइन इंटू वन नाइन नाइन इंटू इलेवन नाइनटीन इंट वन इलेवन नाइन हंड्रेड नाइन नाइन इंटू वन हंड्रेड इलेवन नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन अपटू एंड टर्म्स तक जाएगा ये अब इसके बाद क्या हाँ बता रहा हूं अब ये जो नाइन है ना इसको आप टेन माइनस वन लिख दो अभी बताऊंगा देखो लिख दिया नाइनटी नाइन को हंड्रेड माइनस वन लिख दो लिख दो लिख दिया मैं रीजन अभी दूंगा और एक काम आप लोग करना यहां नाइन के अलावा कोई अपने मन से कोई नंबर मल्टीप्लाई करके देख लेना क्या हो रहा है ठीक है आपको दोनों आंसर पता चल जाएंगे लेकिन एक मैं अभी देकर जाऊंगा अब देखो यहां तक हो गया मैं ऊपर वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं देखो इस वन है ये टेन माइनस वन है ना अब ब्रैकेट को ओपन करो कितने टर्म्स है टोटल वन टू थ्री अप टू एन टर्म्स है यहां पर यानी कि वन कितनी बार आ रहा है एन टाइम्स यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू सेवन बाई नाइन टाइम्स ऑफ टेन प्लस हंड्रेड प्लस वन थाउजेंड प्लस एन टर्म्स प्लस ये हमारा माइनस वन आएगा एंड टाइम्स समझ गए समझ के लो कि बेटा बच्चे लोग यस सर अब देखो अब यहां पर टेन नाइन मानने से ये फायदा हुआ कि इसको हम टेन माइनस वन लिख सकते हैं और जब ये टेन और हंड्रेड आ जाएगा तो हम लोग इसको ऐसा बना सकते हैं टेन टेन का स्क्वायर प्लस टेन के पावर थ्री प्लस टेन के पावर फोर अपटू एन यानी कि टेन के पावर एन टाइम्स और इसको क्या लिख सकते हैं माइनस एन यहां तक तो समझ में आ रहा है yes. Yes, ठीक है yes, अब देखना अब बताओ क्या ये वाली सीरीज जीपी की सीरीज है या नहीं है yes, इसीलिए यहाँ पर नाइन माना गया था नाइन मानने से उसको टेन के टर्म्स में लिख पा रहे थे और यहाँ पर ये जीपी बन रहा था ठीक है ना अब आप लोग एक काम करना नाइन के अलावा कोई और नंबर मानना और देखना क्या यहां पर जीपी बन के आता है क्या ठीक है आप समझ में आया टेन नाइन ही क्यों मानना yeah. है अब जीपी के एन टर्म्स का सम yes, क्या sir. होता है ए इंटू वन माइनस टेन के पावर आर uh, के पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन तो क्या हो जाएगा आर की वैल्यू कितनी है इसमें टेन टेन के पावर एन माइनस वन और ए की वैल्यू कितनी है टेन अपॉन टेन माइनस वन ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन तो इसको सेवन बाई नाइन को नाइन दो और इसको सिंप्लीफाई कर दो ये हो जाएगा अपॉन नाइन इंटू नाइन एटी वन अपॉन टेन के पावर एन माइनस वन ये है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन ठीक है ना यही होगा इस तरह से तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को यहां तक समझ में आया होगा और भी कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे हम्म सर इसमें माइनस एन भी आ रहा है कहाँ आ रहा है माइनस टेन हाँ वो माइनस एन रह गया लिखना मेरे से अब ठीक है yes, तो ये था बेसिक सा सॉल्यूशन कल हम लोग कुछ और छोटी मोटी चीजें देखेंगे है ना और फिर 9.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे और 9.4 ज्यादा बड़ा है नहीं है ना तो जो बच्चे भी ये चार क्वेश्चन इसको मैं बताऊंगा नहीं होगा तो आज ही सोल्यूशन भेजूंगा आप लोग देख लेना जो नहीं आए पूछ लेना मेरे से ठीक है ना मैं आज सोल्यूशन आप लोग को भेज दूंगा कल हम लोग नाइन ही लगाएंगे ठीक है आज जहां तक बताया उसको देखिएगा 9.3 में जो क्वेश्चन आपसे लगे लगाइएगा और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आपको डाउट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्लास में ठीक है Okay that's all for the day